करवा रहे हैं, 3 घंटे से चालू है टाइम तिलक नगर पुलिस स्टेशन में। बच्चे का स्टेटमेंट हो गया, सब हो गया, 2% के लड़के लोग फोन करके धमकी दे रहे हैं, फिर दाऊद कंपनी का चालू हो गया है, जो लोग कर रहे हैं उनको करने की कोई ताकत नहीं है, पुलिस वाले की बहाने चालू है। ठीक है, स्टेशन हाउस का कैसे खाली दिखा है, परफेक्ट दिखा है ग्रेटर मुंबई किसी का। हाँ, स्टॉप पर शेयर कर दे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं भी तिलक नगर पुलिस स्टेशन में हूँ। तिलक नगर पुलिस स्टेशन से ज़्यादा थका हुआ पुलिस स्टेशन मैंने आज तक नहीं देखा। मुझे आके यहाँ पे 3 घंटे में, 1 मिनट, हाँ 3 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं और अभी पूरी दुनिया मुझे लाइव देख रही है कि मैं तिलक नगर पुलिस स्टेशन में। यहाँ पे नाइट पे जो शशिकांत कांबड़े वो मुझे लॉ सिखा रहे हैं, उनको ये पता नहीं कि मैं लॉ कितनी अच्छी तरह जानती हूँ। वो मुझे लॉ सिखा रहे हैं कि पहले वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, बाद में एफ आई आर बनाएंगे। कल ऐसा लग रहा है कि कानून जेब में रख के चल रहे हैं। जब लड़के ने फ़ोन किया है, फ़ोन करके धमकी दी है कि लड़की का गैंग रेप करेगा और उसके बदन में खपड़ा नहीं छोड़ेगा, ये सब कुछ उस लड़के ने बोला है, आई विटनेस भी है जिसने ये सब कुछ सुना है। उसके बावजूद जो है नाइट पे चाहते हैं कि वो पहले इन्वेस्टिगेशन करेंगे। आज कम से कम 13-14 दिन से एब्सकॉन्डिंग है थार पुलिस स्टेशन के एक केस पे। वो लड़के के घर पे अभी जीप निकाल के जाके एक फॉर्मेलिटी करके आए हैं ये लोग कि वो लड़का नहीं मिला, ना वो लड़का मिला चिराग, ना इनायत मिला। ओके, ये दोनों लड़के नहीं मिले तो फॉर्मेलिटी किस चीज़ की हो रही। वो दोनों लड़के मिलके क्या बताएंगे कि हाँ हम लोग ने बोला हम ये लड़की का रेप करेंगे, रेप करने के बाद में इसके मुँह पर एसिड मार के इसका चेहरा खराब करेंगे। वो पुलिस वालों को आके क्या ये बताएंगे, उसके बाद में कैसे रजिस्टर होगा। और WPSI मेरे को तो लगता है कुछ काम की होती नहीं है। WPSI खाली बैठ के FIR बनाती, पहले सीनियर से पूछती, अपने से बड़े दो तीन अधिकारी से पूछती हैं कि FIR में क्या क्या स्टेटमेंट में लिखूं मैं, वो स्टेटमेंट लिख लेती हैं। और उसके बाद में मैंने आज तक किसी भी WPSI को जाके आरोपी को अरेस्ट करते देखा नहीं है। WPSI खाली FIR बनाने के काम आती। और अभी मुझे खुद को यहाँ पर 3 घंटा हो गया तो एक आम आदमी एक FIR बनानी होगी तो उसको शायद मेरे ख्याल से पूरा दिन रगड़ना पड़ेगा। वाकई में मान गई मैं, जो लोग बोलते ना मेरे पास दरबार में आके कि पुलिस सुनती नहीं है, तो वाकई में पुलिस नहीं सुनती है। आम आदमी का पता नहीं क्या होता होगा। और ऊपर से कानून मुझे सिखा रहे, किसको, जिसको कानून रट्टा मार के याद है मेरे को कानून सिखा रहे। पहले इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन के बाद में एफ आई आर होगी। तुम किस चीज का इन्वेस्टिगेशन करोगे? अगर लड़की यहाँ तिलक नगर में नहीं होती तो मैं तिलक नगर आती, बैंड्रा और खार में मैं वहाँ पे FIR नहीं रजिस्टर कर सकती थी। हाँ, लड़की तिलक नगर में थी, CDR यहाँ का निकलेगा, मुझे पता है ना CDR यहाँ का निकलेगा, इतना दिमाग मेरे पास है ना, पता नहीं कल CDR निकल के करेगा क्या। जब कॉलिंग दिखा रही है तो अंधा है। एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने एक बंदे को अरेस्ट किया था जिसने आउटगोइंग कॉल किया था व्हाट्सएप पे, आउटगोइंग व्हाट्सएप पे कॉल था 110 कॉल व्हाट्सएप पे। ये महाराज बोलते कि व्हाट्सएप के कॉल पता नहीं चलते, यानी कि पुलिस वालों को यही नहीं पता है कि व्हाट्सएप के कॉल्स के रिकॉर्ड भी निकलते हैं। पुलिस वालों को खुद को ही नहीं पता है कि व्हाट्सएप के कॉल के रिकॉर्ड भी निकलते हैं। जो शाणे अपने आप को बहुत ज़्यादा शाणे भाई लोग समझते हैं ना, बचकाने लोग, वो लोग समझते हैं कि व्हाट्सएप पे वॉइस कॉल करो तो उन लोग का कोई रिकॉर्ड नहीं निकलेगा। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, एक्सटॉर्शन सेल इतना ज़्यादा हाई प्रोफाइल है ना कि वो तुम्हारे व्हाट्सएप के कॉल रिकॉर्ड भी निकाल लेते हैं। और डिपार्टमेंट में ऐसे भी हाई प्रोफाइल
सेक्टर्स हैं कि वो सारे के सारे ट्रैक निकालते हैं, लेकिन जो अधिकारी पुलिस स्टेशन में बैठे हैं मानना पड़ेगा, तीन तीन घंटा खाली टाइम पास हो रहा है, ऊपर जाओ नीचे जाओ, वो ऊपर जाती नीचे आती, वो ऊपर जाती नीचे आती, पता नहीं क्या कर रही है। अभी एप्लीकेशन भी लिख के दे दी है मैंने, अगर उसने मेरे को एफ आई आर की कॉपी अभी नहीं दी तो मेरी माँ की कसम इसके बाद फिर लाइव आऊँगी मैं और दूसरा लाइव देखना मेरा। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।